हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट वैलीज़, तो विश्व की प्रमुख घाटियाँ हम कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्पज़ से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इम्पोर्टेंट घाटियों को, वैलीज़ को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको किसी भी घाटी का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि पूछा जाएगा कि जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वो कहाँ है, कौन से, या फिर ये पूछा जा सकता है कहाँ है या फिर कौन से महाद्वीप पर है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। दूसरी चीज़, पहले हम देखते हैं कि वैली या जो घाटी है वो होती क्या है। तो वैली जो है, अभी जो घाटियां हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, वो किसी नदियों के द्वारा बनाई जा सकती हैं, किसी आपका विंड, जब आपका तूफान आता है तो पवनों के द्वारा घाटियां बनाई जा सकती है, या फिर कोई भी अगर बहता हुआ पानी हो, बाढ़ आए, तब भी जो है आपका घाटियों का निर्माण होता है। कैसे? तो जब आपका, या मान लीजिए आपका कोई सरफेस है, अर्थ सरफेस है, और यहाँ से जो है आपकी कोई नदी बह रही है, तो ये जो नदी बह रही है पानी, मान लीजिए कोई यहाँ पे प्लेन लैंड था, वहाँ पे एक कहीं से किसी नदी की जो धार है वो यहाँ से आ गई, इस प्लेन लैंड पर नदी का जो पानी बहता हुआ आ गया, और ये जो बहता हुआ पानी है ये कब तक आगे बढ़ता रहेगा, जब तक ये जो पानी है ये अपने जो सरफेस है, आधार सरफेस को प्राप्त नहीं कर लेता, यानी कि ये तब तक बहता रहेगा जब इसका जो सरफेस है जहाँ ये बह रहा है वो आगे के सरफेस से है वो इक्वल ना हो जाए, और जब तक इक्वल ना हो जाए पूरा सरफेस जहाँ ये बह रही है ये वहाँ तक बहती रहेगी, और मतलब अंदर जो मिट्टी का अपरदन है वो करती रहेगी, जिससे कि घाटियों का निर्माण होता है। तो घाटियों का निर्माण तब होता है जब तक जो पानी बह रहा है आपके अर्थ सरफेस पर, आपकी पृथ्वी पर, जब तक बहता है, जब तक जो है वो अर्थ सरफेस को प्राप्त, अपने आधार स्थल को प्राप्त नहीं कर लेता, वो एक समतल जो प्लेन सरफेस है नहीं बना लेता, जहाँ, और प्लेन सरफेस पूरे को नहीं बनाएगा, इतने सरफेस में जितने एरिया में आपका नदी का जल बहता है, इस एरिया को सिर्फ इतने, ये जो आपका बह रहा है इतने एरिया में जो सरफेस होगा, इस पूरे सरफेस का जो लेवल होगा इक्वल ना हो जाए, अगर मान लीजिए यहाँ तक इस सरफेस का जो लेवल है वो इक्वल हो गया, तो ये यहाँ पर जो है आपका इसका बहाव रुक जाएगा, और अब जो है नदी आपके ऊपर की ओर जो है इसका पानी जो है इकट्ठा होने लगेगा, और इस तरह यहाँ पर जो आपका लेवल होगा अर्थ सरफेस का वो क्या होगा, वो नीचे होगा, धसा हुआ होगा बाकी इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे क्या बन गई, एक घाटी बन गई, नदी घाटी बन गई। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि नदी घाटी क्या होती है, या जो वैलीज हैं हम किसे कहते हैं। अब ये जो घाटियां हैं वो तीन तरह की होती हैं, और वो होती हैं कौन कौन सी, यू शेप की वैली, यू शेप, वी शेप और हैंगिंग वैली, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, और जो आपकी लटकती हुई घाटी। सबसे पहले देखते हैं वी आकार की घाटी। तो आपने देखा होगा, हम जब भी बचपन में ड्राइंग करते थे तो ये ऐसे पर्वत बनाते थे, और पर्वत के बीच में हम ये एक घाटी जैसी बनाते थे ये, और यहाँ से हम नदी बहती हुई दिखाते हैं, है ना, ये आपकी नदी बह रही है। तो जो आपका ये घाटी बन रही है ये किस आकार की है, ये वी शेप घाटी है। और वी शेप की जो घाटी है वो कैसे बनती है, पहले जरूरी नहीं है कि पर्वत की जो शेप है वो इस तरह ही होंगी, शुरुआत में इस माउंटेन या जो पर्वत की जो शेप है वो इस तरह से होगी, बाद में यहाँ से एक नदी का जो बहाव आया इसके पीछे से, और इसने आगे की ओर जो है इसका पानी गिरने लगा, और धीरे धीरे इसने क्या किया, इसके माउंटेन के सरफेस को काटना शुरू कर दिया, और इसके जब इसने सरफेस को काटना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे इसकी जो है घाटी बदलने लगी, और धीरे धीरे इसकी जो है घाटी की शेप कैसे बन गई, वी आकार की घाटी बन गई। क्लियर? तो इसे हम घाटी को क्या कहते हैं, जब रिवर के, जब नदियों के पानी के बहाव के द्वारा पर्वतों को काटकर कोई घाटी बनाई जाती है तो उस घाटी की शेप आपकी वैली की शेप कैसी होती है, वी आकार की घाटी।
ठीक है, समझ गए वी आकार की घाटी। तो सेकंड है यू शेप वैली। यू आकार की घाटी क्या होती है? वी आकार की घाटी नदियों के पानी के जल के द्वारा, जबकि यू आकार की जो घाटी बनाई जाती है वो आपकी हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। जब आपके ग्लेशियर इस घाटी में आएंगे तो वो क्या है, इस घाटी के सरफेस को यहां से और तोड़ देंगे। मान लीजिए ग्लेशियर आया और अब इसने इस घाटी को क्या कर दिया, वी शेप से बदलकर क्या कर दिया, यू शेप में बना दिया। तो ये आपकी कैसी हो गई, इसकी शेप यू शेप वैली, यू आकार की घाटी। तो यू आकार की जो घाटी होती है वो जब बहकर बड़े बड़े हिमनद जब बहकर आए, ग्लेशियर्स आते हैं, तो ग्लेशियर्स के द्वारा जो घाटी बनाई जाती है वो यू शेप की आपकी घाटी होती है। और उसके बाद है थर्ड टाइप हैंगिंग वैली, या जो जो लटकती हुई घाटी है वो आपको बताना है। तो जब कोई बड़ा ग्लेशियर, मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर है, उसके साथ ही यहाँ पर आपका क्या है, एक छोटा ग्लेशियर है, छोटा हिमनद है, और इन दोनों के बीच जो ये एक घाटी होती है, ये जो घाटी क्या कहलाती है, हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटी। ऐसा प्रतीत होता है दूर से कि जो आपका ये दूसरा ग्लेशियर है इस बड़े ग्लेशियर से लटका हुआ है यहाँ पर, इसलिए इन दोनों के बीच जो घाटी बनती है इसको हम क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटी। एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्लेशियर्स के द्वारा आपकी घाटी बनाई जाती है कौन सी बनाई जाती है, तो वो आप कहेंगे यू आकार की, नदी के जल के बहाव के द्वारा वी आकार की। लेकिन जब दो हिमनदों के बीच में जो घाटी बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ये है आपकी हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटी। तो ये तीन आकार की घाटियां जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप के माध्यम से कि हमारे लिए कौन कौन सी जो घाटियां हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ आपके वर्ल्ड में प्रेजेंट है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में ही देख लें। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको याद रखना है ये आपकी कौन सी है, हम्बर घाटी। तो नॉर्थ अमेरिका में आपका जो कनाडा है, कनाडा में एक घाटी है हम्बर, इम्पोर्टेंट है याद रखें, इम्पोर्टेंट वैसे तो सारी ही है, सिलेक्टेड यहाँ लिखी हुई है, लेकिन इनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है मैं साथ साथ बताते जाऊँगी, आप साथ में स्टार बना लें वहाँ। तो हम्बर घाटी कहाँ है, कनाडा में। उसके बाद अमेरिका, अमेरिका में काफ़ी घाटियाँ हैं, अमेरिका में यहाँ है आपके पश्चिम की ओर भूकंप घाटी, सैन जुआन घाटी, रैबिट घाटी, यशोमति घाटी। इनमें से जो यशोमति घाटी है इम्पोर्टेंट है, यशोमति और सैन जुआन दोनों याद रखें, भूकंप घाटी, सैन जुआन, रैबिट घाटी और यशोमति घाटी पूर्व की ओर आए। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है सबसे ग्रेट एप्लीशियन घाटी, ग्रेट एप्लीशियन घाटी जहाँ पर एक आपका, यहाँ पर आपका कौन सा पर्वत है, एप्लीशियन माउंटेन। तो एप्लीशियन पर्वत के यहाँ पर आपका ग्रेट एप्लीशियन घाटी प्रेजेंट है, इम्पोर्टेंट है याद रखें। उसके बाद यहीं पर है आपकी प्लीजेंट घाटी, तो पूर्व की ओर है ग्रेट एप्लीशियन घाटी और प्लीजेंट घाटी। तो ये सारी आपकी कौन सी घाटी, ये कहाँ थी, ये नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है। साउथ अमेरिका में एक घाटी याद रखनी है, वो है आपकी सेक्रेट घाटी, और ये आपकी कहाँ है, साउथ अफ्रीका के, ये आपके साउथ अमेरिका में कहाँ, पेरू में प्रेजेंट है। तो जो आपकी पेरू कंट्री है वहाँ सेक्रेट घाटी मिलती है, तो साउथ अमेरिका में पेरू कंट्री में सेक्रेट घाटी है याद रखें। उसके बाद आते हैं आपका नॉर्वे, नॉर्वे, तो नॉर्वे में याद रखें रामस्लाडिंग घाटी, नॉर्वे में रामस्लाडिंग घाटी। उसके बाद अफ्रीका में आए, तो अफ्रीका में जो आपका इजिप्ट है, मिस्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मिस्र में, इजिप्ट में घाटी है याद रखें, राजाओं की घाटी, क्या है, राजाओं की घाटी। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ग्रेट रिफ्ट वैली, जो आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी, है ना। तो ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि अफ्रीका के बीचों बीच है, ये याद रखें ग्रेट रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली या जो भ्रंश घाटी कब बनती है, जब जो प्लेट है एक दूसरे से जब दूर जाती है, तो उनके बीच में मान लीजिए ये आपकी जो दो प्लेट है और ये एक दूसरे से जब दूर जाएंगी तो इनके बीच में जो घाटी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, जो कि अफ्रीका में है, क्लियर। उसके बाद आए भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, तो सबसे पहले, और ये सारे इम्पोर्टेंट है जो ये चार पांच बोलूंगी, तो याद रखें अभी तक जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई है, हम्बर,
ग्रेट एप्लीशियन घाटी, उसके बाद ग्रेट रिफ्ट घाटी, उसके बाद जो इंडियन आपका पेनिनसुला है भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, ये चार पांच जितने भी मैं अभी घाटियाँ बताऊंगी सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान दें। हुंजा घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में, याद रखें, लिख लें, हुंजा घाटी पाकिस्तान। उसके बाद पंचशील घाटी अफगानिस्तान, पंचशील अफगानिस्तान। नुब्रा घाटी कहाँ है? इंडिया में, नुब्रा घाटी इंडिया। उसके बाद आपकी चितवन घाटी, और चितवन घाटी कहाँ है? ये आपके नेपाल में है। दोबारा क्लियर कर रही हूँ, हुंजा घाटी पाकिस्तान, पंचशील घाटी अफगानिस्तान, नुब्रा घाटी इंडिया, चितवन घाटी नेपाल। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर चुंबी घाटी, और चुंबी घाटी कहाँ है? ये आपके भारत भूटान और चीन के बॉर्डर पर स्थित है चुंबी घाटी। तो ये चार पांचों इम्पोर्टेंट घाटियाँ थी, आपको याद रखनी है। उसके बाद हांगकांग में, जहाँ पर आपका चीन, जो कि चीन के अधिकृत क्षेत्र है हांगकांग, तो वहाँ पर दो घाटियाँ हैं, एक बटरफ्लाई घाटी और एक हैप्पी घाटी। तो याद रखें हांगकांग में कौन सी है? बटरफ्लाई घाटी और हैप्पी घाटी। नीचे की ओर आए तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की आपको तीन घाटियाँ याद रखनी है। ये आपका पूर्व में नॉर्थ साउथ वेल्स है, साउथ वेल्स की दो घाटियाँ आपको याद रखनी है। पहली है शिकारी घाटी, शिकारी घाटी और कंगारू घाटी। तो कंगारू से तो वैसे हमें ऑस्ट्रेलियंस याद आते हैं, तो इससे हमें याद रखिएगा कि जो कंगारू घाटी है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। तो पूर्व की ओर कंगारू घाटी और शिकारी जो घाटी, जो कि आपके नॉर्थ साउथ वेल्स में है। तो और कहाँ पर है ये? सिडनी में। तो सिडनी में कंगारू घाटी और शिकारी घाटी प्रेजेंट है। ब्लैकवुड घाटी जो कि आपके पर्थ में है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पर्थ में ब्लैकवुड घाटी जो है स्थित है। तो तीन जो घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, कंगारू, शिकारी और ब्लैकवुड घाटी। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ, इंपॉर्टेंट वैलीज जो कि आपके वर्ल्ड में हैं, आपको याद रखनी है। चार पांच इंपॉर्टेंट है, इनमें से चार पांच नहीं, छः सात याद रखें इंपॉर्टेंट। एक बार हम्बर घाटी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट एप्लीशन घाटी, उसके बाद ग्रेट रिफ्ट वैली इंपॉर्टेंट है, हुंजा, पंचशील, नुब्रा, चितवन और चुंबी। तो ये आपको मेन रूप से याद रखनी है, याद आपको सभी रखनी है, लेकिन जिन पर आपको स्पेशली फोकस करना है वो घाटी मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको वीडियो जो है समझ आ गई होगी। कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।